हाय 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 हाय, ओए कौन काफिर कहता है कि जवानी फिर नहीं आनी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ओए मेरी बंदूक ला। ए बाबे तू छोटी बड़ी जे। परसों पापा आ रहे हैं तुम्हारी अम्मी से मिलने। अम्मी जान कहती थी कोई झूठ छोटा या बड़ा नहीं होता, और अम्मी जान को फौत हुए 10 साल हो गए। दाने पे दाना, दुर्दाना। दुर्दाना दुर्दाना नहीं है, वो डीनो है। डीनो। शादी के बारे में क्या ख्याल है? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पापा से शादी नहीं करूंगा। उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकती। हैं जी? दाना दुर्दाना नहीं है। बकवास ना कर रहे। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे बाप की नीयत ठीक नहीं है मुझ पे। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। अच्छा तुम भी कहो ना। साला छुपा रुस्तम। तुम परेशान मत हो जान। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो तो क्या हुआ, मैं उसे संभाल लूं। क्या? ये मेरी माँ से बात कर रहा है? अरे वो तो गधा है एक नंबर का। तुम्हें तो पहले ही मुझे चूज करना चाहिए था। ओके बेबी बाय। अबे क्या कर रहा है यार? क्या अबे हाथ चक अबे चक वालों किससे बात कर रहा था? अबे क्या किससे बात कर रहा था? अबे हाथ छोड़। तू माही से क्या बोल रहा था? पपिया किसको दे रहा था? पहले हाथ तो छोड़। पपिया किसको? तू माही से बात नहीं कर रहा था फोन पे? भाई वो तो मैं अपने प्ले की रिहर्सल कर रहा था। प्ले की रिहर्सल? हाँ। कौन से प्ले की? जो अगले हफ्ते होना है। वैसे भी मैं इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपनी हालत देख। हेलो, मैं माही के साथ बहुत खुश हूँ। बड़ा खुश है देख रहा हूँ मैं। बेबी बेबी करते उसके इशारों में नाचता रहता है। कभी पहली बार मिलने की एनिवर्सरी, कभी बर्थडे, कभी पहली बार हाथ लगाने की एनिवर्सरी, पहली बार हाथ पकड़ने की एनिवर्सरी, कभी पहली बार लव यू बोलने की एनिवर्सरी। मैं माही से प्यार करता हूँ। भाई जो करना है कर, लेकिन अपने खर्चे पे करना। बस दिखा दी अपनी औकात। आज के बाद ना तुझसे एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा मैं। हाँ मत लेना मत लेना, लेकिन मेरे 22,000 रुपए वापस कर देना। अरे 22 क्या, 32,000 तेरे मुंह पे मारूंगा और कल सुबह। हाँ माँ 32,000? हाँ 32,000। 10,000 और चाहिए मुझे तुझसे। 10,000? 10,000 तो ऐसे कोई कह रहे जैसे मैंने करोड़ों रुपए मांग लिए तुझसे। 10,000 रुपए चाहिए। माई के लिए अंगूठी पसंद की है, उसमें 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं बस। अंगूठी क्यों? काला जादू कराना है ना, अंगूठी के बगैर तो हो नहीं सकता काला जादू, तो उसके लिए अंगूठी ले रहा हूँ। अबे शादी के लिए अंगूठी ले रहा हूँ। तू शादी कर रहे है उससे? तो और मैं माई के साथ अकीका कर लूँ? कर बेटा तू शादी, ले लेना 10,000 रुपए, गया तू काम से। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। पापा मैं ये शादी नहीं करूंगी। ओए की कह रहे हो तुसी? ओ चोई साहब सही कह रहा हूँ। वो बाकी सब कुछ ठीक है, पर आपके घर में तो मेरा मेरा बहुत है। ओए ये वेल्डिंग वाली है ना, कुतारेगा तो कुछ नजर आएगा ना। लगी हुई है ना, 40 उम्र में हो ही जाता है ऐसा। लड़की को तो बुलवा लो ना जी। चुप कर, तुझे बहुत काली है लड़की को बुलाने। चुप करके बैठ दो, बड़े बात कर। चुप। ओए अपना बाट, ओए कबाब लेना, ओ माई ने अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा ओ यार तुझे तो पता है कि कबाब। ओए बच्चे बैठे हैं, बच्चे बैठे। ले ले मेरा पुत्र जल्दी से। हाँ कबाब ले 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 फिर रख। ओए ले ले बेटा, शर्मा क्यों रहा है? खाली है। ओए और तेरी जेब में जितनी मर्जी रकम पा दियो, और तेरी जेब खाली रहती है। अब्बा तुसी देख लो, कुछ भी नहीं है, खाली है। हाँ? खाली है? ओए फीके आया शोशा, अब खोते का पुत्र इधर आ, छेती मार। जी शोशा। ओ देख, आहा कैसा शानदार चमकाया। ओए अन्नी दिया, उसमें कबाब ही नहीं है। जी बड़े भुख में मान आया, सारा ही चट कर दे। ओए फीके, ओए अन्नी दिया कबाब नहीं, उसमें जा जाके कबाब लेके आ। मैं अभी समोसे लेके आ। ओए समोसे नहीं लाने। हाँ जी हाँ जी। ठूरे के मुंह वाले कबाब लेके आने हैं।
अच्छा पठोरे के मुंह वाले कबाब लाने। ओए कबाब लेके आ और साथ माही को भी बुला। एक मिनट में लेके आया, कबाब भी लाया, माही भी लाया। ये कबाब दारुल माही से मंगा रहे? माही बीबी जी, काम था आपसे। क्या काम? वो जरूरी बात ये थी जी कि वो अभी याद थी जी, दिमाग से निकल गई। अच्छा जाके याद करके आ जाए, फिर मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी। याद आ गया जी। सरिसा ने आपको कहा है कि आके कबाब को खा ले? मेरा मतलब है उन्होंने कहा है कि जी आओ और कबाब खा लो। ठीक है मैं आती हूँ। अच्छा जी। जी ठीक। माही मेरी इकलौती बेटी है और ये जायदाद ये सब कुछ उसी का ही है। और शफीके एक बात ध्यान से सुन ले, चौधरी दिलदार का गुस्सा बड़ा खराब है। अच्छा कौन है ये बदतमीज चौधरी दिलदार? ओए चौधरी दिलदार मैं हूं, खोते दा पुत्रा। अब्बा आपने खोते दा पुत्र कह रहे थे। खोते दा पुत्र मैं तुझे कह रहा हूँ। इसको छोड़े चौधरी साहब, आप कुछ वो अपना जो है माही के बारे में बता रहे थे। गाय गाय हैं जी? गाय? नहीं है, मेरा मतलब है कि बहुत ही सीधी सादी है, चुप चुपीती है, सादी मासूम, चू भी नहीं करती। वो चू नहीं करती? अंकल जी चू चू तो चिड़िया करती है, आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ओए आ गई मेरी माही। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बा मुझे शादी मंजूर है। मैं किसी मंजूर मंजूर से शादी नहीं कर रही। मंजूर नहीं जी, बट शफीक बट नाम है मेरा। जो भी है आप, मैंने आपसे शादी नहीं करनी। क्यों जी? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। माही! पापा आप मुझे मारने लगे? नहीं, मैं उसे मारूंगा जिसने तुझे बरगलाया है। क्या नाम है उसका? डीनो। ओए मैंने उसके कुत्ते का नाम नहीं पूछा, उसका नाम पूछा है। नहीं उसका नाम डीनो है, मतलब उसका नाम दानियाल है, लेकिन प्यार से उसे सब डीनो कहते हैं। डीनो? और ये क्या नाम हुआ? जितना छोटा नाम उतना ही छोटा इंसान। मैंने तेरा रिश्ता किसी खानदानी रईस के साथ करना है और पंजाबी के साथ। पापा प्लीज। पंजाबी है क्या? ओए वो पंजाबी नहीं है? नहीं लेकिन रईस है, अब खानदानी रईस है, बहुत ज्यादा रईस है, जरूरत से ज्यादा रईस है। ओए उसके आगे पीछे भी कोई है या आसमान से टपका है तेरा वो डायनासोर? डीनो, डीनो पापा उसकी मामा है, लेकिन वो दूसरे शहर में रहती है और वो यहाँ अपने दोस्त के साथ रहता है, और उसके पापा की डेथ हो गई थी जब वो छोटा सा था। आप मिले, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी। शादी के बाद उसे घर दामाद बनकर यहाँ रहना होगा हमारे साथ। पापा लेकिन। बस कल हम मिलने जाएंगे उस लड़के से और उसकी माँ से। टीनो तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे पास सरप्राइज देने आ रहा था। हाँ वो एक छोटी सी गलती हो गई है। छोटी सी गलती? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो बस मैंने पापा से छोटा सा झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया बेबी? यही कि तुम खानदानी रईस हो। और तुम्हारी अम्मी शहर से बाहर रहती हैं और तुम यहाँ स्टडीज के लिए आए हो। स्टडीज के लिए बुला लेता। अम्मी जान कहती कोई झूठ छोटा या बड़ा नहीं, पर अम्मी जान फौत हुए 10 साल हो गए। मैं क्या करती डीनो? पापा ने सख्ती से कह दिया था कि वो किसी ऐसे शख्स से मेरी शादी नहीं करेंगे जिसके कोई आगे पीछे ना हो। खानदानी रईस, मम्मी जी, स्टडीज, इसके अलावा भी कुछ बोला है तुमने? कुछ नहीं, बस ये बताना था परसों पापा आ रहे हैं तुम्हारी अम्मी से मिलने। थैंक यू बेबी, तुमने कल नहीं बुला लिया। एक मिनट, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे पापा इसकी मम्मी से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तेरी मम्मी तो 10 साल पहले ऑफ हो चुकी है ना। इसका मतलब है टेक्निकली
तुम्हारे पापा को इसकी मम्मी से मिलने के लिए ऑफ होना पड़ेगा। इसका मतलब है तुम्हें इसके पापा को अपनी मम्मी से मिलाने के लिए उनका मर्डर करना पड़ेगा। स्टॉप इट। मैं किसी की जान मान नहीं ले सकता यार। अबे तू कैसे इंसान है, अपने प्यार के लिए इतना नहीं करता। तू है तेरे प्यार के। स्टॉप इट। तेरे थूक से बचने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। बाप है वो मेरा। तो तुम्हें क्या जरूरत थी अपने खतरनाक बाप से इतना बड़ा झूठ बोलने की? अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती थी कोई झूठ बिना जरूरत नहीं बोला जाता। अब ये तुम्हें मिस्कीनों वाला मुंह कहाँ से खानदान के लगता है? ये मिस्कीनों वाला मुंह इतना प्यारा है और इसीलिए तो झूठ बोला था। अगर ना बोलती ना तो पापा मेरी उस बट से शादी करा देते। अम्मी जान कहती थी कि अगर किसी बट से शादी हो रही हो तो झूठ बोल देना चाहिए। पापा को ना झूठ से सख्त नफरत है। खून माफ कर सकते हैं, झूठ नहीं माफ कर सकते। ठीक है, खून कर देते हैं। स्टॉप इट। तो फिर मैं क्या करूं, कहां से लाऊं? दो दिन में अम्मी। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया। तेरी माँ आएगी मेरे दोस्त, तेरी माँ आएगी। ओ करण अर्जुन की राखी, 10 साल पुरानी मरी हुई माँ कहाँ से आएगी? मैं बनूंगा, मैं नकली माँ बनूंगा यार। 4 साल से थिएटर कर रहा हूँ, ऐसी माँ बनूंगा तेरे उससे पहचान भी नहीं पाएंगे। मैं कल ही सारी चीजों का इंतजाम कर लूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं ले। ये प्लान काम करेगा? अम्मी जान कहती थी मेरे नए प्लान के मुताबिक। इस वक्त कौन आ गया? ये सच्चा क्या कर रहे हैं? तो शाम को आना था यार, इतनी सुबह क्यों आ गए? इसको फोन करता हूं। हेलो हेलो, फोन ही बंद है। बंदूक। लोग अपनी बेटी का रिश्ता लेने जाते हैं, 2 किलो मिठाई लेके जाते हैं, 2 नाली बंदूक लेके आ गए। कौन आदमी है यार? खिड़की से कूद जाता हूं, खिड़की से कूद जाता हूं। कूद के जाएगा, जाके उनसे गले मिलेगा। ओए, ओ ये तो कोई चौधरी अंदर से मुझे झांक रहा है। पापा ये आप है? हैं? ओ ले, ओ तभी मैं कोई इतना हैंडसम आदमी अंदर कैसे हो सकता है जबकि वो बाहर घर। अच्छा पापा, लग रहा है घर पे कोई नहीं है तो हम शाम को आ जाते हैं। ओए नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? डायनासोर को मिले बगैर नहीं जाएंगे। और ये बताओ उसकी माँ आ गई है? वो ये बंदूक गाड़ी में ना रख ले। और ये गाड़ी में रखने के लिए नहीं है, और ये मैं लेके आया हूँ कि लड़के वालों पर जरा इम्प्रेशन डालेंगे। और ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? बैल बजाता हूँ। गड़बड़ हो गई होगी। क्या 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 हो गया पुत्री, क्या गड़बड़? डोरबेल में पापा, वो डोरबेल में गड़बड़ होगी, आप नॉक कर लेना। ओ तू कितनी इंटेलिजेंट है मेरी पुत्री, ये पहले क्यों नहीं आया आइडिया तेरे दिमाग में है? भाई कोई है? और दरवाजा खोलो। वेलकम चौधरी साहब। जी मैं दुर्दाना। जी दाने पे दाना, दुर्दाना। ये तो गाड़ी में रखा है। आप कहाँ खो गए चौधरी साहब? कहीं नहीं जी। आपको खोया खोया देखकर मुझे टॉमी की याद आ गई, वो भी कहीं खो गया था, छोटा सा था, लंबे बालों वाला। आइए ना अंदर। इतना फास्ट चलते हैं,
Can I call you Shoaib Akhtar? आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बिल्कुल आप पे नहीं गई। थैंक यू जी, वो आपका डायनासोर नजर नहीं आ रहा जी। पापा टीनो। हाँ वही, आपको देखकर राजू मुझे लग रहा है जैसे आपका मेरा पुराना ताल्लुक है। जी मैं बता रही थी कि मेरा डीनो लाखों में एक है, ऐसा दामाद आपको 100 साल ढूंढने पे भी नहीं मिल सकता चौधरी साहब। ऐसी समदन भी कहीं नहीं मिल सकती। डीनो के पापा को गुजरे तो समान ही गुजर गए, वो ऐसे मेरे सामने से गुजरे, फिर उनमें से गाड़ी गुजर गई। बड़ी खुशी हुई जी ये सुन के। जी बड़ी खुशी हुई जी कि आपने इतने सालों से अपने आप को इतना संभाल के रखा हुआ है। मैंने कहाँ संभाला, मैं तो एक्सीडेंट देख के बेहोश हो गई थी, वहाँ एक खूबरू नौजवान था जिसने मुझे संभाला। पापा चले, चलते हैं पुत्री। नाश्ता नहीं बनाना, मैं ले आया हूँ। पापा वो ओ बस 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 पुत्री, ओए मैं समझ गया ये कौन है, ये मेरा पुत्र डायनासोर है। जी वो अंकल मैं। ओए चुप कर, लड़का पसंद है मुझे, ये रिश्ता मंजूर है भाई। ओए चला पुत्री शादियों की तैयारियां करे, आजा पुत्री आजा। ये क्या हो रहा है? हाय 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 हाय, कौन काफिर कहता है कि जवानी फिर नहीं आनी। ओए सदके जाऊं तेरे चौधरी दिलदारा। आए 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 आए। काफरा और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं चाय ले जा रहा था। ओए ओए बड़ी बात है फीके, ओ यार तुझे खुद को खुद कैसे याद रह गया कि चाय लेके जानी है? आप तो खामखा मेरी यादाश्त पे शक करते हैं सोहेल साहब, आपके लिए चाय लेके आए। ये चाय है? ओए गरम पानी है निरा। पत्ती पानी भूल गया। और निरी पत्ती पानी नहीं भूलिया तू, और दूध और चीनी भी नहीं है इसमें। मुझे ये बता ना, वो तुझे इस घर का रास्ता कैसे याद रहता, वो नहीं भूलता तू? साहब मुझे तो ये भी पता है, ये भी याद है, आज आपकी शादी होने वाली है। ये क्या कह रहा है तू? आपके चेहरे के ऊपर ऐसा नूर चढ़ा हुआ है। वो जो मेरे चेहरे पे चढ़ा हुआ है वो नूर है? ये मैं पहले भी कहीं सुने आया। हाँ सुना सुना तो मुझे भी लग रहा है। ऐसे चल दिमाग में जोर ना डाल। ज्यादा हो गया क्या? भूल गया। अच्छा चल जा, मेरे लिए गरम गरम चाय बना के ला। शाबाश। तुम सुबह सुबह कहाँ मर गए थे? मुझे क्या पता था तेरा ससुर सुबह सुबह आ जाएगा। और अब पापा ने ना तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। तुम मना कर दो? कैसे मना कर दूं? एक रात पहले मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, आई लव डीनो, और अगले दिन मना कर दूं? तो मैं ही तो डीनो हूँ। हाँ लेकिन पापा के लिए इस वक्त ये डीनो है। तुम्हारे पापा की तो मैं Listen, मैं अपने बाप के बारे में ना कुछ नहीं सुन सकती। और तुम्हारा बाप जो दुर्दाना जी से फरमा रहा था वो सुन सकती हो तुम? क्या क्या फरमा रहे थे? थरक फरमा रहे थे वो। क्या कह रहा है यार? मैं बता रहा हूँ तुम्हारे बाप की नीयत ठीक नहीं है मुझ पे,
मतलब दुर्दाना जी पे? तुम्हें किसने कहा था कि मेरे बेचारे बाप के सामने जो और इस तरह अपना पल्लू लहराओ? मेरे बेचारे बाप को वरगला रहा था ये। अच्छा अच्छा लड़ो मत, मेरे पास एक आइडिया। तू रहने दे भाई, सुन तो ले भाई। तू गाना सुना दे, आइडिया छोड़ दे भाई। सुन तो ले, एक मिनट बैठ तो बैठ। एक मिनट देखो, मैं और मम्मी यानी दुर्दाना चौधरी साहब के घर जाएंगे और मैं ऐसा इंप्रेशन दूंगा कि वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। इंप्रेशन तो तू देगा, लेकिन हमारी शादी का क्या होगा? उसका भी कुछ कर लेंगे, पहले ये वाला रिश्ता तो खत्म करें। He's right. मैं पापा से आज ही कह दूंगी कि कल दीनो आ रहा है मम्मी के साथ, हमें ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें रिश्ता खत्म करना होगा। ओ भाई अभी तो खत्म कर दो। हा 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 हा, के पास एक से एक बंदूक है जनाब, शिकार खेलने के तो ऐसे शौकीन है। हाय 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 हाय, कमाल कमाल किस्म के शिकार किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, वेलकम 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 दुर्दाना जी, वेलकम 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 दुर्दाना जी, वेलकम। थैंक यू चौधरी साहब। माशाल्लाह, सदके जावा सदके जावा। डिनोनो, और तू क्यों इतना खामोश खामोश बैठा हुआ है? देखिए अंकल जी, इससे पहले कि आप रिश्ते की बात और आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं दहेज में कम से कम 20 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना लूंगा। ये क्या तूने भीख मांगनी शुरू कर दी और नेवले? और मैंने अपनी बेटी के लिए 50 तोले सोना रखा हुआ है, और नोटों की तो तू परवाह ही ना कर, बोरियां भर भर के बड़ी वालियां अलहदा रखी हुई हैं मैंने। आगे गल कर। चौधरी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है आपको बच्चों की शादी करने की? देखे ना जी दुर्दाना जी, बच्चों की कोई बात बात होगी तो हमारा भी नंबर आएगा ना जी। चौधरी साहब, मेरा मतलब है कि बच्चों को फारग करके ना जी, तो आदमी को थोड़ा सा सुकून मिलेगा कोई अपने बारे में सोचने का। भाई पुत्री जा ना डिनोनो को जाके अपना घर दिखा, कोई सारा ड्राइंग रूम, कोई बेडरूम वगैरह, आखिर इसने इस घर में रहना है। जा शाबा, इसको दिखा पूरा घर, जा। जी जी पापा। जा हाँ। अपना फीके जा जाके ना दुर्दाना जी के लिए चाय बना के ला। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो पकड़ा तो नहीं जाएगा? ऐसे अगर वो पकड़ा गया ना तो बाबा सीधा गोली मारेंगे उसे। चौधरी साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, इरशाद। ओए आप इरशाद करें जी, मैं हमा तंग गोश हूं। चौधरी साहब, मेरा बेटा डीनू आपकी बेटी के लायक नहीं है। जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा बेटा बहुत ही आवारा, बदतमीज और कामचोर लड़का है, उसने मेरी जिंदगी को बहुत दुख पहुंचाया। दुर्दाना जी, इट इज रियली वेरी सैड। इसलिए मना करता था डीनू को, खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। क्यों भी नहीं, बस उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि डीनू तुम नहीं, डीनू वो है। क्या डीनू ये नहीं डीनू वो है? इतनी फेंटी लगवाऊंगा उसको ना कि अलफ की तरह सीधा हो जाएगा वो। फेंटी क्या? हाँ ना दुर्दाना जी, वो इतनी अजीम मां को सताने की सजा तो मिलेगी ना जी फिर। चौधरी साहब आपको गलत फहमी हुई है, मैं अजीम की माँ नहीं, मैं डीनो की माँ हूँ। और मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी। चौधरी साहब आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। बड़ी दूर सूटी है। I think it's out of the ground. Yes, it is. दिन ये नहीं दिन वो है। वो कौन? वो कोई भी नहीं है, तुम बस सब भूल जाओ और जाओ।
नहीं बीबी जी, मैं नहीं भूलूंगा, वरना चौधरी साहब फिर मेरे ते छतरौल कर देंगे। अगर तुमने तुमने अगर पापा को कुछ भी कहा तो मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने उनकी जेब से पैसे निकाले। जी मैं चोर? हाँ तुम चोर। नहीं नहीं ये ठीक है, मैं अभी जाके चौधरी साहब को बताता हूँ। फिर इस तरह आप लोग बाज नहीं आएंगे। चोर ये नहीं चोर वो है, चोर ये नहीं चोर वो, चोर ये नहीं चोर वो, चोर ये नहीं चोर वो। क्या कह रहे? कुछ नहीं कह रहे, ये भूल गया। चौधरी साहब प्लीज। सदके जावा, ओए तुसी ते प्लीज ना ना कहो, वो मेरा दिल काऊ माऊ होंदा है। चाचा क्या है? एक जरूरी बात करनी थी चौधरी साहब। क्या बात करनी है? ये दिनू नहीं है, दिनू वो है। ओए मुझे पता है डिनोनो कौन है, ये डिनोनो की मम्मी जान है। ये मम्मी जान नहीं है, ये चोर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चोर हूँ? हाँ चौधरी साहब, ये आपका नौकर क्या कह रहा है, मुझे चोर कह रहा है। दबाओ यार यहाँ से, वो शक्ल घूम कर अपनी, खबरदार जो इधर आया तो दबाओ यार। माशाल्लाह काफी काफी मर्दाना हाथ है आपका। I'm really sorry, मैं जज्बात में बह के कश्मीर निकल गई। मैं भी मुजफ्फराबाद तक पीछे पीछे ही था, अगे आप गायब हो गए। इतनी प्यारी लग रही है आप। चौधरी साहब अब मुझे और डीनो को इजाजत दीजिए। सदके जावा कैसी बातें कर रही है, मैंने अब आपको जाने नहीं देना। क्या? हाँ ओए आप छोटे से फ्लैट में रहती हैं, कोई अच्छी लगती है। देखिए जब तक माही और डिनोनो की शादी नहीं हो जाती ना, आप यही रहेंगी मेरे पास। क्या क्या आपको खुशी नहीं हुई? खुशी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी की ही तो घबराहट है। क्या जी, मुझे खुशी की आंसू तो मैंने सुना था, ये खुशी की घबराहट क्या चीज है? पहली दफा सुनी है ना। हाँ। हुई भी पहली दफा ही है। डरा दिया मुझे, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, इतना टाइम क्यों लगा है? तुमने तो बुलाया क्यों मुझे यहाँ पे? हमारे हिटलर पापा ने देख लिया ना, शादी से पहले बेवा हो जाओगी। तुमने कहा किसने था कि तुम रुक जाओ? तुम्हारे प्यारे पापा जी ने रोक लिया तो मेरा भी कसूर है। तो मेरा क्या कसूर है, तुम मना भी तो कर सकते थे ना। मैं मना करता? बात बात पे बंदूक निकाल लेते, मुझ पे तो गुब्बारे वाला फट्टा लगाते थे। मैं कुछ कर रहा हूँ गॉड, भी जल्दी नहीं, जल्दी तो सिर्फ नूडल्स बन सकते हैं। मैं सोचता हूँ। I'm sorry, Dino. मेरे एक झूठ की वजह से तुम्हें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। क्यों उदास होती हो? उदास तो मुझे होना चाहिए, तुम थोड़ी ना झूठ बोलना छोड़ो। अच्छा मैं संभाल लूंगा ना। आई लव यू। हैं जी हैं जी। तुम्हारी आवाज को क्या हो जाता है? दिनों फीका तुम्हारे पीछे है। अरे फीका तो कब से मेरे पीछे है? दिनों फीका तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। उसे कुछ नहीं होता, मुझे पकड़ नहीं सकते। दिनों भागो फीका यहाँ। ओए ओए ओए। ये शिकित है। और बाहर निकल रहे, और बाहर निकल रहे, और बाहर निकल रहे। ओए ओए फीके, और ये तू दुदाना जी के कमरे के बाहर क्या कर रहा है? जो साहब मैंने दुदाना जी के कमरे में एक मर्द को अंदर जाते हुए देखा। क्या सच्ची कह रहे? ओए मेरी बंदूक लेके आ जल्दी से। बंदूक किधर है? कौन है अंदर? बाहर निकल। ओए ओए मैं भून के रख दूंगा तुझे, बाहर निकल। बंदूक बंदूक ले आए। ओए बाहर निकल, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भून के रख दूंगा। तीन गिन रहा हूं मैं, बाहर आ जा। तीन? ओए एक ते दो तेरा प्यो गिनेगा। तीन होए ने, एक दो होए ने, ते तीन होएगा ना। हाँ ये भी तू वैसे ठीक कह रहा है। ओए निकल अब, बाहर निकलते। देखा क्या हुआ चौधरी साहब, इतनी रात को कौन से शेर के शिकार पे निकले हैं आप? वो ये फीका मुझे बता रहा है कि आपके कमरे में कोई कोई मर्द गया है। हाँ? क्या मेरे कमरे में मर्द? हाँ जी। चौधरी साहब आपका ये मुलाजिम बहुत ही छिछोरा है, मेरे कमरे में मर्द अगर है तो आप देख लीजिए, आपकी कसम मेरे कमरे में कोई मर्द नहीं है। चौधरी साहब
मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। बकवास ना कर, दफा हो जा यहाँ से। चौधरी साहब, आपने ये रशियन मुलाजिम क्यों रखा? ओ जी, देसी मिल नहीं था रहा मुझे। वैसे दुर्दाना जी, मैं ना जी, आई एम वेरी शेम, मैं माफी चाहता हूँ जी, सॉरी सॉरी। इट्स ओके, गुड नाइट, स्लीप टाइट। गुड नाइट। वैसे अच्छा क्या है, 3 मिनट पीछे दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाए, आपको बड़ी सहमत हुई है। खुदा हाफिज़। बाय बाय। टाटा जी। चौधरी साहब, अब पुलिस को फोन करूं या आप चले जाएंगे? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। आज तो बजिया डीनो, चल सो जा। दुर्दाना जी, आप ना मुझे दिलदार कहा करें जी। ये बताएं कि आपको कैसा लगा? क्या ये बंगला? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत खुला, हर प्लॉट कॉर्नर का प्लॉट। आप प्रॉपर्टी का काम भी करती रही हैं? कभी कभी। हाँ हाँ, काश आप यहाँ हमेशा रहती मेरे साथ। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ चौधरी साहब? एक दफा बच्चों की शादी हो जाए फिर मैं चली जाऊंगी। दुर्दाना जी, आपको ना एक मजबूत सहारे की जरूरत है जो आपको ना प्रोटेक्शन दे सके। जी हाँ चौधरी साहब, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे एक बॉडी गार्ड रख लेना चाहिए। आजकल ठरकी बुड्ढे बहुत ही तंग करते हैं। ओए आप मुझे बताएं, कौन है वो ठरकी बुड्ढे? ओए मैं उनके। क्या चौधरी साहब, आप कहाँ शीशे से लड़ते फिरेंगे? इतनी मखौली है आप। वैसे दुर्दाना जी, आपको देख के ना मुझे माही की माँ चीनो की याद आ गई है जी। तू तो गया डीनो। क्या 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 कहा आपने? मैंने कहा तू तो गया डीनो। डीनो, कितना प्यार है अपने बच्चों से आपको। बहुत ज्यादा। इतनी लविंग है, यू आर सो लविंग दुर्दाना जी। मैं बड़े मजे हाल के। अब वो दुर्दाना जी, मैं ना मार्केट जा रहा था, आपको कुछ चाहिए? कुछ खास नहीं, बस कोई छोटा मोटा सोने का सेट ले आइएगा जिसे पहनकर मैं आराम से सो सकूं। सदके जावा। सदके बाद में जाइएगा, पहले मार्केट जाइए। हाँ अच्छा कि आपने याद करा दिया। मैं यूं गया जी, यूं आया और बच्चों को आपके पास छोड़ के जाता हूँ ताकि आपका दिल लगा रहे। उदास नहीं होना, बस मैं चट गया और पट आया। मुझे मारा ना तूने? ये देख, ये ले। मुझे मारेगा? ये ले। अभी बताता हूँ। ये ले। क्या बताएगा बेटा, ये देख तू, पहले इसे तो बच। या ये देख। तुम दोनों इस तरह यहाँ खुलेआम क्यों बैठे हो? पागल तो नहीं हो गए? और बाय द वे, 2 दिन में मेरी जैन के साथ मंगनी है और तुम चिल कर रहे हो। चिल कौन कर रहा है, हम तो प्लान कर रहे हैं कि तुम्हारे अब्बा को कौन सी टोपी पहनाई जाए। अल्लाह ऐसा बख्शी को भी ना दे। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कितने क्यूट और अडोरेबल है तुम्हारे। क्यूट एंड अडोरेबल? अभी कुछ देर पहले उनको कोस रहा था, पागल सांड बोल रहा था उनको। पागल सांड? पागल सांड? क्यूट सांड कह रहा था मैं, क्यूट वाला नहीं होता वो जो क्यूट। क्या कह रहे हैं ये? बकवास कर रहा है, इसकी तो आदत है बकवास करने की, इसकी नहीं सुनो। देखो अब तुम लोगों को मेरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक और आइडिया। तुम अपने मनहूस आइडियाज अपने पास रखो, हम खुद कर लेंगे। बोलो, सुनते हैं तुम्हारा आइडिया। अब तो भाई पुत्री तो खुश है ना, और कल तेरी मंगनी हो रही है डेनोनो के साथ। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, डीनो भाग गया। हो तो कोई बात नहीं, मैं ना जी रोज 200 किलोमीटर भागता हूँ। आप क्या रोज हैदराबाद जाके वापस आते हैं? इस बात को छोड़े, बात यह है कि वो घर छोड़ के भाग गया है। किसके साथ? ये मुद्दा नहीं है कि वो किसके साथ भाग गया है, मुद्दा यह है कि वो मंगनी से पहले घर छोड़ के भाग गया है।
ये देखिए खत मेरे लिए नहीं, आपके लिए तो मैं हूँ, ये खत माही के लिए। सदके जावा, सदके जावा बटोलिए। डियर माही, सॉरी माही, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी चिक चिक तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर तुम्हारे उस सांड जैसे खड़ूस बाप के नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं जा रहा हूँ, बाय। तुम्हारा नीनो। फीके! और मेरी बंदूक ले गया। बंदूक किसको मारेंगे? ओए दुल्दाना जी, आप फिकर ना करें। ओए अगर मैंने इस डेनोनो का शिकार ना किया ना, तो मेरा नाम भी चौधरी दिलदार नहीं है। फीके! माही बीबी जी, ये क्या कर रही है आप? फीके ने कल ही पंखे सारे साफ किए हैं। ठीक है, मैं पंखा नहीं साफ कर रही, मैं सुसाइड कर रही हूँ। बेवकूफ, खुदकुशी कर रही है वो। अच्छा है जी। नहीं 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 नहीं, बीबी जी माफ करना, मुझे अंग्रेजी जरा कमजोर है ना मेरी। ओए कुतकुने, अंग्रेजी कमजोर है ना, और नजरें तो कमजोर नहीं है ना तेरी, नजर नहीं आ रहा तुझे, उसे फंदा डाला हुआ गले में। जी माही पुत्री, नीचे आ जा। माही बेबी, मेरा मतलब माही बेटी, नीचे आ जाओ प्लीज। नहीं, मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना। मुझ पे लोग थू थू करेंगे, मेरा मंगेतर भाग गया, अब मुझसे कौन शादी करेगा? ओए तू फिकर क्यों करती है? ओए तू चौधरी दिलदार की ती है, मैं बहुत ही अच्छे लड़के से तेरी शादी करवाऊंगा। आ जा नीचे। एक अच्छा लड़का है, एक बहुत अच्छा लड़का है मेरी नजर में। अच्छा, मेरे तो ना बाद में मेरा ब्याह हुआ हुआ है। चुप बदतमीज, तुम बुरे लड़के हो। मेरी नजर में अच्छा लड़का है मेरा छोटा बेटा, बहुत अच्छा लड़का है। इतना छोटा बेटा आपका? आपका छोटा बेटा भी है? जी हाँ, मेरे दो बेटे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। और माही की शादी मैं अपने छोटे बेटे से करूँगी। माही मेरे घर ही बहू बन के आएगी चौधरी साहब। सदके जावा ताडे। सुन रही दुर्दाना आंटी क्या कह रही है? आ जा नीचे, आ जा अब शाबाश, आ जा आ जा आ जा। ओके पापा। बहुत ही प्यारा और नया नाम है, डीनो। छोटे बेटे का नाम भी डीनो? फिर डीनो? जी हाँ, एक लंबी कहानी है जो आपको छोटी करके सुनानी है। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके थे, 10 long years। दस 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 सब गुजर रहा था, रक्षा, टैक्सी, बस नहीं गुजर रही थी तो मेरी सांस नहीं गुजर रही। फिर एक दिन वो भी गुजर गई, मगर मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। फिर किसी ने मुझे एक हकीम के पास भेजा, हकीम ने डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पीर के पास, कुछ जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, और फाइनली मैं एक फार्मिस्ट के पास पहुंची और उसने मुझे कहा, तुम्हारे यहाँ दो होंगे, दो बेटे। फिर क्या हुआ? और वो हो गए। बहुत आला, बहुत आला। देसी घी वाला। फिर मैंने बदले में एक शर्त पूरी करनी थी। अब वो क्या जी? मैंने उन दोनों के नाम डीनो रखने थे। फिर मैंने रख दिए। सदके जाओ आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस तरह मेरे हाथ दो बच्चे हुए जिनके नाम डीनो हैं, और दूसरे डीनो से मैं अपनी लाडली की शादी करूंगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपने पोते का नाम भी डीनो ही रखूंगी। डीनो, बस सुन लिया ना तूने? जी जी, ये डीनो फैमिली है। अब मैं जाऊं? दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन आप चाह रही है तो जाए। सदके, बाय बाय जी, बाय बाय टाटा। अब सुन लिया तूने? अब खबरदार तू नहीं हरकत की तो। हाँ शाबाश, चल ध्यान से बैठ इधर। ओ ये रसीद उसी उतार इसकी, चल अंदर लेके आ इसको। हाँ जल्दी आ।
हेलो देखा है क्या बात कर रहे हो मैं तो पहली बार पाकिस्तान आया हूँ किधर देखा है ये याद नहीं यार पीके जो बात याद नहीं आ रही उसे भूल जाओ आगे बढ़ो तुमको मेरा नाम कैसे पता कैसे पता कि बच्चा जानता है तुम्हारा नाम मैं चुड़ैल का बच्चा हूँ टार्जन का बच्चा हूँ या किसी बांदर का बच्चा हूँ जो सारे बच्चे मेरी हिस्ट्री जानते हैं तुम्हारे कारनामों की कहानियां और किताबें भी छप चुकी हैं मैंने खुद पढ़ी है पीके के कारनामे और शहर में हंगामे किधर अब अंदर तो मैं घर आऊंगा तुम किधर अंदर चले यार पीके मैं डीनो हूँ तेरी मालकिन का होने वाला दूल्हा अच्छा चौधरी साहब तो आपको सवेर से उड़ीक रहे हैं सफेद बंदूक के हैं क्यों हाँ वो कह रहे हैं आज तो काम तमाम होना चाहिए ओहो आप फॉलो मी मेरे मगर आए अब पता चलेगा मगर आ जाए मगर आ जाए आ जाए आ जाए आए ना देखिए चौधरी साहब कौन आया डीनो नंबर दो ओ डीनोनो नंबर टू देख डीनोनो तेरा भाई तुम दुबा कर भाग गया है तूने अगर ऐसी हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तू दुर्दाना जी की औलाद है अरे नहीं नहीं अंकल मैं भागने वाला नहीं हूँ तू भाग के दिखा क्या ओए अन्नी के मुहावरा बोला है अच्छा देख डीनोनो माही मेरी बहुत ही प्यारी और इकलौती औलाद है लेकिन जरा सी जिद्दी है सही कह रहे हैं आप बहुत जिद्दी है अंकल कोई जिद करती है वो जिद तो खत्म है उस पे मैं कहता हूँ तू कैसे जानता है माई को मैं ऐसे जानता हूँ कि मैं माई को नहीं जानता वो मामा ने कल कॉल की थी ना तो उन्होंने बताया था कि बहुत जिद्दी है मतलब बहुत नहीं कहा था उन्होंने कहा था जिद्दी है और बड़ी क्यूट है क्यूट जिद्दी है अच्छा ठीक है शादी हुई है तेरी शादी तो अंकल एक भी नहीं हुई अब तक तो बच्चे दो भी नहीं है वैसे दो होने चाहिए लेकिन चूंकि शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे होंगे देख डीनोनो शादी तक तू यही रहेगा क्या हाँ मैं तेरे पे नजर रखूंगा क्या मैं भी नजर रखूंगा तुम क्या हाँ और ये क्या 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 लगा रखी है तूने अंकल मैं यहाँ नहीं रह सकता फीके मेरी बंदूक रहा ए बाबे दी छोटी फड़ी जे बंदूक है ये हाँ अंकल मैं तो मजाक कर रहा हूँ मैं यही रहूंगा मेरे तो कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं वो भी यही रहेंगे रहना पड़ेगा बच्चू ठीक है जी या इसे इसका कमरा दिखा आ जाओ फॉलो मी जी और सुन अपने कमरे में ना ले जाई जी अच्छा आ जाओ गंदे कमरे में नहीं रहूंगा फॉलो मी डीनोनो नंबर टू यार तुम्हारे पापा की नियत ठीक नहीं लग रही मुझ पे रुपेश मतलब दुर्दाना जी पर उन्हें दुर्दाना में मतलब मुझ में अपनी बीवी दिखाई दे रही है यार क्या मुझे तो अपनी इज्जत खतरे में महसूस हो रही है अच्छा मैं पापा को सब कुछ सच सच बता देती हूँ अगर अब हमने सच बताया ना तो वो कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे तो क्या करें हम यार फिलहाल तो हमें अपनी शादी की तैयारियां करनी चाहिए वो कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज है तो एक छोटा सा झूठी बोला आई लव यू माही आई लव यू टू दुर्दाना आंटी है जी वो इतना बड़ा झूठ
मुझे तो पहले ही शक था इस दुर्दाना पे। अभी चौधरी साहब को जाकर बताता हूँ कि दुर्दाना दुर्दाना नहीं दीनू है। दाना जी, दाना, दाना जी मेरी बात सुनो। जय साहब मैं फीका। दाना ये आना मेरे पास। मैं फीका जय साहब। फीका फीका। मैं जय साहब फीका। दफा है तो डराई देता ही मनु। पर तू फीके यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? शेर साहब आपको एक बड़ी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। क्या खबर लेकर आया है? शेर साहब दुर्दाना के राज का पता चल गया है। कैसा राज? मैंने अपने कानून से सुना है। क्या सुना? मैंने अपने कानून से सुना है। वो तो कन्नों से ही सुनते हैं और क्या नाक से सुनते हैं? क्या सुना तूने? जो साहब दुर्दाना जो है ना। हाँ दुर्दाना जो है। हाँ क्या है? दुर्दाना जो है ओए मुंह ते फूट फीनिया भूल गया। अच्छा जा दफा हो जा यहाँ से। जब याद आएगा ना फिर आई मेरे पास। अरे मेरी नींद का बेड़ा कर किया था। अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। याद आ गया जो साहब। क्या? दुर्दाना जो है ना कोई आम औरत नहीं है। हाँ मुझे पता है दुर्दाना आम औरत नहीं है, खास औरत है। नहीं नहीं चोई साहब, ना वो आम है ना वो खास है, वो औरत ही नहीं है। हाँ तो औरत नहीं है वो तो। ओ चोई साहब मेरी पूरी गल तो सुन लो। मेरी बात सुन, आइंदा अगर तूने दुर्दाना जी के मुतल्लिक कोई भी पुठी बात की ना तो मैंने तुझे पुठा लटका देना। चल जा दबाओ यहां से। शकल घूम कर अपनी बेवकूफ जाहिल पागल जा। चंगा भला मैं उन्होंने नाल नहर से पहुंच गया है सर। मैं उन्होंने कह रहा सर जीप की पिछली सीट तो अगे आ जाओ और जालमा तू उथे ही आके खाब तोड़ देते। इन लोगों ने बड़ी देर कर दी है। ओए माई पुत्र वो मेहमानों का तू इंतजार कर ले। तूने खाना शुरू भी कर दिया और वो आए तो फिर खाना, कितनी बुरी बात है। बिल्कुल नदीदी लग रही है तू इस वक्त। अच्छा चल अब जल्दी से खा के ना तो टिश्यू से प्लेट साफ कर दे, बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो दुर्दाना जी कहाँ है डिनोनो? वो नहा रही हैं। जी चलो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। जब वो आएंगे ना फिर खाऊंगा मैं तो। आप क्यों इंतजार करेंगे? आप खाना खाएं, वो तो बहुत देर लगाती है नहाने में। और कितनी की देर तक ना आएंगी? मैं इंतजार करता हूँ, तुम लोग शुरू करो। चलो खाओ 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 बेट डालो। पापा वो बस बंदूक लाओ। बस बस आहा। ये क्या तूने चिड़ी जिरदना डाला है? जी इसलिए मैं कह रहा था ना कि पंजाबी लड़के से शादी कर और प्लेट में रौनक तो लगाते हैं ना कम से कम। वो रौनक लगा। विके तू डाल। नहीं नहीं मैं खुद डालता हूं। और टेस्ट सारा पाके खा मेरे सामने, दिल खुश कर मेरा। डाल और डाल। ये ऐशा काम काम। दुर्दाना जी आ जाए। जी जी बहुत लग गई है बहुत अब तो। मजे क्या है ना? क्यों के? ओए ओके ही है, मर्द का बच्चा है क्या? ओके ओके ओके। चल साहब मैं दुर्दाना जी को खुद बुलाकर लेके आता हूँ। नहीं 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 मैं जाता हूँ, मैं उनको बुला के लाता हूँ। हाँ
का खाना तो मैंने पूरे महीने में नहीं खाया। चौधरी के बच्चे ने मुझे इतना खाना खिला दिया। रौनक लगा लो, रौनक लगा लो, मेरे पेट में रौनक लग गई। अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ लगेंगी। चल बेटा बन जा जल्दी से दुर्दाना। चल साहब दुर्दाना जी अभी तक नहीं आए, मैं देख के आऊँ। आया नहीं, नहीं नहीं मैं खुद जाता। पापा आप रहने देना, आती ही होंगे। हेलो एवरीवन, चौधरी साहब, डीनो बता रहा था कि आपने मुझे याद किया। आए आए ना दुर्दाना जी, बैठ कुर्सी खींच, बैठ बैठ बैठ, बिस्मिल्लाह करें ना जी आप। खाना? मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। ठीक है जी, खाना पा, ढेर सारा पा, ढेर सारा पा। खाए ना जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे खुद भूख लग रही है बहुत। ढेर सारा डाले मिलके खाते हैं। ऐ हो नहीं ना जी गल दुर्दाना जी, ले पुत्र मुझे भी पकड़ा आप। मैं भी खाऊं जल्दी जल्दी। आ हा 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 हा, ओए होए दो दो आलू, ओए लत लत के बगैर तो जी बिरयानी जीरो है। ये ले उधर रख। ले जी दुर्दाना जी, कोफ्ता खाएंगी ना तो फिर उंगलियां ही चटेंगी आप अपनी। ये बड़े स्पेशल कोफ्ते हैं जी हमारे यहाँ के। हाँ जी चले जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खाएंगी खाएं। ओए जरा ध्यान से हाथ लगा। अच्छा साहब एक मशवरा दो, गुस्सा तो नहीं करेंगे? हाँ अब आप ब्याह कर ही लें। ब्याह? क्या? मुझे लगता है कि दुर्दाना जी है ना, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। क्या तुझे कैसे पता चला है? जी मुझे अक्सर आपको पूछती रहती है। क्या पूछती है मेरे बारे में? जी मुझसे कहती है कि सो साहब ने ब्याह क्यों नहीं किया। ब्याह? कल ही मुझसे पूछ रही थी कि सो साहब ब्याह क्यों नहीं करते। वही की मिनट हुए और ये दो मिनट पहले की बात हो तो भूल जाता है, कल की बात तुझे कैसे याद रह गई है? वो सो साहब वो जो एक हकीम है ना, वो मैंने उससे एक चूर्ण लिया था तो वो याददाश्त के लिए वो आजकल मैं खा रहा हूँ। अच्छा, तो इसलिए मेरी याददाश्त ठीक हो रही है। हाँ जी हाँ जी, आप दुर्दाना जी से बात करें ना, अपने दिल की बात बता दें। इस वक्त चौधरी साहब क्या हो गया है, आपने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी कहावत? वो कहावत तो मैं भूल गया हूँ। वो कहावत को छोड़े जी, आप जाएं बात करें जाके, और क्या है, जाए ना उठो ना। कैसे बताऊ, मुझे शर्म आ रही है। ओए चमा चमा थी। चले आप ऐसा करें कि सारी दिल की बातें जो है ना खत में लिख के तो कड़ाक करके दे दे। आहा, और पहली दफा तूने कोई अकल की बात की है फीके। वेरी गुड है, वेरी गुड है। ये बहुत अच्छे खाते लिख देता हूँ मैं उनको है। ले फिर एक काम कर, तू जाके ना कागज पेंसिल लेके आ, ठीक है? और वो हकीम का नंबर जरा मुझे दे दे। हकीम? आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। मेरा पेट मेरे बस से बाहर हो गया। मेरे पेट में कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, घबराहट हो रही है। मेरे पेट में जंग हो रही है, जंग मेरे पेट में। हक कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे पेट में। तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगर तुम्हारे बाप के जासूस ने देख लिया ना तो मैं भरी जवानी में ऊपर निकल जाऊंगा। मेडिसिन लेके आई हूँ तुम्हारे पेट के लिए। मैं अपने पेट में अब मजीद कुछ नहीं डाल सकता, पहले स्टोर रूम बन गया हो। डीनो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता, मेरी खुशी के लिए इतना कुछ करना, मेरे लिए अपनी माँ खुद बन जाना, मेरे लिए 20 लोगों का खाना खाना और तुम्हारे बाप, तुम्हारे ठरकी बाप को बर्दाश्त करना।
दुर्दाना जी, दुर्दाना जी दरवाजा खोले जरा। तुम्हारे पापा इस वक्त क्या कर रहे हैं? दुर्दाना जी दरवाजा खोले ना, मैंने आपको कुछ देना है। ये रात को 12 बजे मुझे क्या देना चाह रहे हैं? I don't know. दुर्दाना जी, मैंने ना आपके लिए एक चीज लिखी है, वो आप जरा पढ़ के बताएं कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं। अब कोई गलती तो नहीं है? मैं आपके जवाब का ना मुंतजिर रहूंगा। देखें चौधरी साहब, ये ठीक वक्त नहीं है। आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं, वो मैं सुबह सुबह आके आपकी बात सुन लूंगी चौधरी साहब। नहीं निकाल नहीं ना दुर्दाना जी, अभी दरवाजा खोल लेना, ये मैंने अभी आपको देना है। अच्छा, आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं अभी बाहर आती हूँ। सदके जावा, आजे आजे आराम से आ जाए, कोई बात नहीं। क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त? तुम्हारे अब्बा क्या कर रहे हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा सुनो, दवाई तो खाते जाओ। छोड़ो दवाई, मैं तुम्हारे अब्बा को भी देख लूँ वो क्या चाह रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? तुम यहीं रहना, यहाँ से बाहर ना निकलना, ये तुम मुझे नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा पानी से मैं गरा दफ्तर जाना है। अंकल। हाँ जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आप मेरी मम्मी के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? मैं आपकी मामा के कमरे के बाहर ये कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात के इस वक्त आप मेरी मम्मी के कमरे के बाहर ये परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं? हाँ नहीं अब उधर वो परफॉर्मेंस नहीं, वो दरअसल मैंने कहा मेहमान है, ठहरी हुई है, मैं जरा पूछ लूँ उनसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, सब अच्छा अच्छा है ना, इसलिए आया था। मुझे आपकी नियत पे कुछ शक हो रहा है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो डिनोनो? आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में ये उंगलियां हैं, ये घड़ी है। और आपके दूसरे हाथ में क्या है? दूसरे हाथ में क्या? कुछ भी। याद आया मुझे, ये मैंने ना एक दरखास्त लिखी है और मैंने कहा जरा दुर्दाना जी से जाके ना वो माशाल्लाह जरा पढ़ी लिखी है तो इसके ना हिज्जे करेक्ट करवा लूं जरा। तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं देख लेता हूँ हिज्जे हुज्जे करेक्ट ले, जो हिज्जे फिर दुर्दाना जी देख सकती है ना वो तुम तो नहीं कर सकते ना पुत्री, मैं उन्हीं से करवाऊंगा। मम्मी बता रही थी कि आजकल कोई ठरकी बुड्ढा उन्हें बहुत तंग कर रहा है। लेकिन आपकी मामा ने ये मुझे तो नहीं बताया। आप बेटे नहीं है ना उनके, ऐसी बातें माएं अक्सर अपने बेटों को बताती हैं। ये 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 भी ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो बुड्ढा मेरे हाथ आ जाए तो उसकी तो मैं ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि। खैर आप तो जाइए, आप आराम कीजिए, आपका क्या इस बात से डिनोनो? वो मेरी एक बात याद रखी पुत्री, ये जो बाबे होते हैं ना वो ये थोड़े कीते हाथ नहीं आते, ये बड़े कुन्ने होते हैं। वैसे अगर वो बाबा तेरे हथे चढ़ गया ना तो जरा हाथ हौला रखी। ज़ैन तुम ऐसे गायब हो जैसे गधे के सर से सींग, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, मैं दीनो को भी बुला रही हूँ, आज शाम को तुम आ जाओ, समझ आई? आई हैव नॉट ओना, ओके बाय। माही पुत्री, मुझे ना तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जी पुत्री, जब से तेरी माँ मरी है ना मैं ना कल्ला कल्ला फील कर रहा हूँ। पापा क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख पुत्री, तू नहीं चाहती कि घर में कोई हो जिसे तुम मम्मी मम्मी कहकर बुलाए? पापा 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 नहीं, मम्मी मम्मी। क्या पुत्री, कल तेरी माँ ना मेरे ख्वाब में आई थी, मेरे कान के पास आके ना कहने लगी तुसी भी उन ब्याह करा लो आपकी शादी।
हाँ लेकिन तेरी शादी के बाद ही करूंगा। अब तू सोच रही होगी कि किससे करूंगा, है ना, है ना? चल गैस कार, फिर गैस कार। नहीं, नहीं कर सक रही ना, मैं बताता हूं। वो ना वो अपनी दुर्दाना जी से, मुझे पता है तुझे ना बड़ा प्यार करती है वो, और दिल ही दिल में ना मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती है। हाँ, और मुझे फीके ने बताया है। फीके का बच्चा? देख अब तू ये सोच रही होगी कि शादी के बाद तेरे बच्चे हमें दादा दादी कहेंगे या नाना नानी कहेंगे, है ना? यही सोच रही है ना? लेकिन तू फिक्र ना कर, वो हम जब बच्चे होंगे ना तब डिसाइड कर लेंगे कि हमें नाना नानी कहना या दादा दादी कहना, है ना? बड़ी मासूम है मेरी थी, बड़ी मासूम है। चल तू अपना काम कर, मैं आया जरा है। दुर्दाना साहिबा का मैं सच तो साबित करके रहूंगा, किसी किस्म का मुझे सबूत मिल रहा है ना तो। गाल ना कटी साहब बहादुर, नहीं तो लाशां दा ढेर लग जाएगा ये। अबे गाली नहीं दे रहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मम्मी कमरे में? आया तो मैं था दुदाना जी को बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे उनकी जुल्फे मिल गई। अरे ये मम्मी की जुल्फे नहीं है। अच्छा तो फिर किसकी जुल्फे है? शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन मैं अपनी यादाश्त की वजह से जो ना हर दफा कोई सबूत नहीं दे सकता था। हूं तो मेरे हाथ में सबूत भी है, ये बड़ा हुआ है सबूत, अब चौधरी साहब को दिखाऊंगा। चौधरी साहब, ये क्या किया? ओए कुत्ते कौन है तू, यहाँ पे क्या कर रहा है? अंकल ये देखे ना आपका बदतमीज नौकर क्या कर रहा है, मम्मी ये कमरे की तलाशियां ले रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। ये डिनोनो क्या कह रहा है? चल साहब दुर्दाना जी का सबूत मिल गया मुझे। हाँ जी, कहाँ है मुझे भी दिखा। सबूत मिल गया, वो क्या कहते हैं वो, कहाँ है वो जिसके नीचे आदमी होता है, पुल वो? नहीं नहीं, वो जो वो जो बड़े बड़े लोग पहनते हैं टोपियाँ, नहीं औरतें भी यूं करके बुरखा। और नहीं, सबूत मिल गया। तो बता ना क्या सबूत है। सबूत ये है कि वो कहते हैं वो, हाँ फिर भूल गया ना, फिर भूल गया ना तू, दबा यार खोते ना पुत्र है तो, चल निकल बाहर निकल, दबा यार, चल जा निकल है तो, अजय ना हर वेले भूल जाता है, डिलो ना पुत्र, वो दुर्दाना जी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मम्मी बाहर है अंकल। बाहर है? जी जी, मैं भी बाहर ही आ रहा हूँ, आप भी बाहर चलिए। हाँ, बड़ा पर्सनल सामान। हाँ वैसे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बाहर ही चलते जी, प्लीज। हाँ आप, हाँ आप जी। पहले मैं ना। जी जी प्लीज। अच्छा, हाँ, तेजी से। ये खुला रहने दो कि बंद कर? मैं खुद कर लूँ। अच्छा ठीक, चल बेटा तैयार हो जा जल्दी से। यार माही बोलो तो सही, क्या बात है? क्या हो गया? वो पापा क्या दुर्दाना से शादी करना चाहते हैं? क्या? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पापा से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें करने को कौन कह रहा है? तुम दुर्दाना से शादी करना चाहते हैं? मैं ही दुर्दाना हूँ, डीनो भी मैं ही हूँ। हाँ लेकिन उन बेचारे को थोड़ी पता, उनकी फीलिंग्स तो सच्ची है। उनकी फीलिंग्स सच्ची है तो क्या मैं भी सीरियस हो जाऊँ? मुझे पहले ही तुम्हारे पापा की नीयत पे शक था। डीनो
मेरे बाबा एक बहुत मासूम इंसान है, मैं उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकती। तो उनकी फीलिंग्स के चक्कर में मैं अपने आप को पूरी जिंदगी के लिए हर्ट कर लूं, तुम्हारी मम्मी बन जाऊं? नहीं, मैं उनको सच बता दूंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी और माफी मांगूंगी, वो मुझे तो माफ कर देंगे। और मुझे वो मार के ना बाहर लॉन में गाड़ देंगे, और तुम शादी कर लेना उस मूदी भट्ट से। डीनो, और तुम घर भी लोगी। डीनो, और तुम कुछ भी रहोगी। डीनो, यार देखो हम बहुत मुश्किल से इतनी दूर तक आए हैं, प्लीज 6 दिन बाद हमारी शादी है, थोड़ा सा रुक जाओ, शादी के बाद मैं उनको सब कुछ बता दूंगा और मैं उनकी फीलिंग हर्ट नहीं होने दूंगा, कसम से, प्रॉमिस, प्रॉमिस। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैंने चौधरी साहब के साथ जरा शॉपिंग पे जाना है। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। यक! आपको वहां ढूंढ रहा था, आप यहाँ है। पसंद आया आपको? जी हाँ, मुझे एक यूनिकॉर्न पसंद आया है। मैं अभी लेके देता हूँ, आप तो दे यार, कोई 3-4 यूनिकॉर्न दे। नहीं, एक ही बहुत है, मैंने बेचनी थोड़ी है बाद में। सबके जाओ ताडे दूर दादा जी, और कहो तो पूरी रेडी ले दिया तानू। वेरी बिजनेस माइंडेड यू आर। यस आई एम। मजे की शॉपिंग हो, दुर्दाना जी, मैंने ना आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? छोड़िए ना जरूरी बात, कल करने की। नहीं 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 दुर्दाना जी, आज ही करनी है, बहुत जरूरी है जी। तो अगर इतनी जरूरी है तो फिर कर दीजिए। दुर्दाना जी, आपका ना शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी? हाँ जी, बच्चों की शादी बस हो जाए, ताकि अपने अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाए। वो दफा कराए जी बच्चों को, बच्चों की बात कौन कर रहा है, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब, मुझे एक फार्मिस ने कहा था कि जब भी तुम शादी करोगे तुम्हारा मियाँ पहली रात को ही मर जाएगा। तो मैं तो वैसे ही यहाँ पे मरा हूँ, ये रिस्क ले लेने देना मुझे। दुर्दाना जी, अगर आपसे मेरी शादी ना हुई ना, मैंने वैसे ही मर जाना। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं आप? हाँ ना, मरना तो मैंने है ना। अच्छा ठीक है, पहले बच्चों की शादी तो हो जाने दी, उसके बाद फिर हम अपने बारे में सोचेंगे। इसका मतलब है कि आप सोच नहीं है मेरे बारे में। अच्छा फिर मैं हाँ समझू ना। शुरू आ गई, अल खामोशी नीम रजा मंदी। काश मेरे पास कैमरे वाला मोबाइल होता तो चौधरी साहब को पक्का और सच्चा सबूत देता। फीके, परेशानी की कोई गल नहीं, डायरी है, कलम भी है, एक एक लफ्ज लिख, इस बारी सच्चा ते पक्का सबूत देंगा। पापा हमें माफ कर पाएंगे ना? बेबी, जिस तरह के तुम्हारे पापा हैं ना, मुझे लगता है वो कई काम नहीं कर पाते।
कर पाएंगे यार, क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे ना तो हमने दूसरी दुर्दान ला देंगे। मतलब तब उनकी शादी करा देंगे। क्यों नहीं, वो प्यार से दुर्दाना जी से करता है। लेकिन दुर्दाना दुर्दाना नहीं है, वो डीनो है और डीनो ही तो दुर्दाना बनता है, ये बात उनको नहीं पता। दुर्दाना दुर्दाना नहीं है, दुर्दाना दुर्दाना नहीं है। चौधरी साहब, ओह माय गॉड, ये सब कुछ बता देगा। देखा बुरा टाइम चल रहा था ना, अब चलो। चोई साहब। ओए हाँ, जाओ ना। क्या जाओ, बंदूकें देख रही हूँ, इतनी तो हमारे घर में चप्पलें नहीं है। मेरे दादे के जमाने की आएंगे, ये नहीं चलती। चलो, तुम्हारे अब्बा भी तो तुम्हारे दादा के जमाने के, वो तो अब तक चल रहे। नमी खबर ले आओ। ओ क्या, आप खबर सुनेंगे तो पुड़क के उठ जाएंगे। ओए क्या, बोल भी तो सही। चोई साहब, हाँ भूल गए जी। एक ये जो तेरे भूलने की आदत है ना, और क्या खबर है बताता क्यों नहीं? आप इतनी जोर से बोल रहे हैं, मैं भूल गया जी। ऐसे चला मैं आज तक, वो तो बता क्या खबर है। और तू तो ऊंचा बोल ना। सोई साहब, वो दुदाना दुदाना नहीं है। क्या, वो क्या कह रहा है? सोई साहब, दुदाना दुदाना नहीं है। और दुर्दाना दुर्दाना नहीं है तो फिर कौन है? और दुर्दाना कौन है? ओके, मैं लिखना भूल गया सोई साहब। ये जो तेरी भूलने की आदत है ना, वो इसने सारा काम खराब किया हुआ। नाक की सूती है। ओए सोच, बता दुर्दाना कौन है? दुर्दाना, दुर्दाना हाँ, वो याद कर, याद कर। दुर्दाना, ओए फीके, ओ ये जो तेरी भूलने की आदत है ना, याद कर, याद कर। मैं तो डोबू उतार दूंगा तेरी। याद कर। आया आया, याद आया आया, याद आया। जा जा जाके दुर्दाना को बुला के ला, मैं खुद उससे पूछता हूँ कौन है वो। मैं बुला के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम यही रुको, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सिर्फ फीका जाएगा। जा फीके, सारा काम मेरे दिमाग। वो जा ना। अच्छा जी। चोई साहब, हाँ, दुर्दाना कमरे में नहीं है, वो बाहर गई है, मैं बुला के लाता हूँ। जब तक दुर्दाना वापस नहीं आती, इस कमरे से कोई नहीं हिलेगा। हम सब यहीं उसका इंतजार करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं जाएगा यहां से बाहर, कोई नहीं जाएगा। तो तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं आपके पीछे। उधर खलो। अच्छा जी, मुझे इंतजार करने दे। अंकल ये वाली कितने की है? ज्यादा बक बक ना कर, आराम से खड़ा रहा यहीं पे। ये दुर्दाना जी पता नहीं कहां रह गई हैं। ओए कुतकुनिया, ओ तू क्या कर रहा है, बाहर देख। देख देख के आंखें पत्थर वाली हो गई है चौधरी साहब, दुर्दाना नजर नहीं आई। दुर्दाना दुर्दाना नहीं है। ओ वेयर इज द दुर्दाना? जब तक मैंने नहीं जाना, दुर्दाना ने नहीं आना। है? क्या कहा? मेरा मतलब है कि मामा तो हैदराबाद जा रही। तीनू मेरा बच्चा, तीनू मेरा बच्चा। मामा दुर्दाना जी, ये आपने मुंह क्यों कजा हुआ है? वो ना चौधरी साहब, हमारे यहाँ की रस्म है, खानदानी रस्म। किस किस्म की रस्म जी? वो के लड़के की माँ रुखसती तक अपना चेहरा नहीं दिखाती, बहुत बड़ी मनुष्यत हो जाती है। बहुत बड़ी हैं जी, हैं जी, हैं जी, हैं जी, हैं जी। ये आपकी आवाज कुछ बदली बदली सी नहीं है? लेकिन थप्पड़ तो बिल्कुल नहीं बदला ना। क्यों? हा हा हा, चल बेटा डीनू, चल। स्वाद आ गया सोनिया। ओए शुक्र अदा कर, दुर्दाना जी घर आ गई है। पहला फार मेरी बंदूक उधर रख, और दोवे हथा नाल फार टेक ना दई। एक गल सुन लो, हां दुदाना दुदाना नहीं है। हां तेरा दाना दाना अब निकलेगा मुंह में। दुदाना दुदाना नहीं है, दाना दुदाना नहीं है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तेरी माँ? नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकते। कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है। बकवास बंद कर। माही ने मुझे मैसेज किया तो मैं आ गया। अच्छा ही हुआ तेरी शादी अटेंड कर लूंगा। बाल बाल बच्चे, और अगर आज पापा को पता चल जाता ना तो हमारी शादी कभी ना होने देते। यार इसके पापा तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, वो तो मुझे ऊपर ले जाके ही छोड़ेंगे। तो शुक्र है तू शेव करके आ गया। कितनी बार तुम्हें कहा मेरे पापा के पीछे मत पड़ा करो,
कुछ मत कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। तुमने वादा किया था कि शादी के फौरन बाद तुम पापा को सब कुछ सच सच बता दोगे। अगर तुम्हारे पापा की मेरी शादी होगी ना तो सब कुछ उन्हें खुद ही सच सच बता देंगे। इसका मतलब है मेरा दोस्त गया शादी के बाद। मैंने इसको यहाँ बुलाया। यार तुम्हारे और तुम्हारे पापा की हरकतें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। Be quiet, Dino. तुम्हें क्या लग रहा था यहाँ तुम्हारे लिए एक नई नवेली दुल्हन बैठेगी? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम शादी के फौरन बाद पापा को सब कुछ सच बताओगे। हाँ सही है, लेकिन तुम मेरे कपड़े पहन के यहाँ क्या खड़ी हो? हाँ कम्फर्टेबल है और दुपट्टा वैसे भी तुम पे ज्यादा सूट करता है। खैर जाओ, चलो उठो, चलो। कौन सा वक्त है यार, जाओ चलो। अच्छा तू भी आ, मैं तुझे दूसरे कमरे में गेम लगा के देता हूँ। अच्छा सुनिए, दीनो बन के मत जा, दुर्दाना बन के जा। आ मुझे दुर्दाना बना दे। चौधरी साहब, ओए बिस्मिल्लाह, ओए सदके जावा, ओए शुक्र है, ओए आपकी शक्ल देखने का मौका मिलेगा अब। लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई लव यू टू जी। ये तो मैंने कहा ही नहीं है? असल में बच्चे। ओए बच्चों की तो आप फिक्र ही ना करें जी, कम से कम 10 बच्चे तो करेंगे इंशाल्लाह। ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ कम कर ले। अच्छा ना, आप गुस्सा ना करें ना जी, और को 1.5-2 काम कर लेंगे जी। मैं आपको जानती हूँ, आप नहीं करेंगे। सदके जावा, कितनी शरीर है आप। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं डीनो हूँ। पापा जी, असल में वो आपते माही ने झूठ बोल दिया था और उस चक्कर में मुझे सब कुछ करना पड़ा। मुझे थोड़ी अंदाजा था आप अपने दामाद के चक्कर में पड़ जाएंगे। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं प्यार करता हूँ माही से। पापा जी फिंका, बंदूक ला मेरी। आया जी। पापा जी मैंने तू ले ही आया। ये लीजिए चोसा। Thank you.